बड़ा पॉपुलर हुआ ये प्रोग्राम। फिर हमने और उसके बाद शॉर्ट कोर्सेज भी किए, तकरीबन 30 के करीब शॉर्ट कोर्सेज करते रहे। हमने आउटरीच प्रोग्राम्स किए, इवन NCA से बाहर भी निकले, हम मरी तक गए, KPK के बॉर्डर तक गए हैं वहाँ पे। अब तो इंटर मार्केट की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि NCA, मैंने तो इससे पूरे अपने 6-7 साल लगाए हैं कि फ्रॉम द डे वन मेरे ये ख्याल में था कि NCA के पास ये जो बिल्डिंग है तो इंटर मार्केट की होनी चाहिए। और धर्मेंद्र जी का मुझे फ़ोन आ गया एंड एक्चुअली आई वॉज शॉक्ड रियली। मैं उनसे पूछ रहा हूँ यार ये वाकई है, तो उसने कहा जी इंडिया से फ़ोन है। तो धर्मेंद्र, उन्होंने कहा जी मैंने फैसला किया था कि मैंने बात करनी है अमिताभ बच्चन, इनसे मैं कई खत आए हैं, फिर हमने इन्हें लिखा भी है। तो हम बल्कि एक प्लान कर रहे हैं फीचर फिल्म। अब जैसे अमिताभ लिख रहे हैं ना कि वर्ल्ड इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्लेस एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिविजन बिटवीन पीपल, ये इनकरेक्ट लेटर है। वेयर वर्ड फेल म्यूजिक एंड आर्ट स्पीक, ये जो जो भी बाउंड्रीज हैं बस ये पॉलिटिकल हैं, ये ह्यूमन नहीं है। जाफरी साहब, ये आपने जो डिप्लोमा क्लासेस के हवाले से और ट्रेडिशनल आर्ट्स के रिवाइवल के हवाले से बहुत काम किया है NCA में, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसे हमारा जो जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी आर्ट या मुस्लिम आर्ट, तो उसमें बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जिसे हम खताती का कहते हैं, कैलीग्राफी, तो वो एक बड़ी इंस्पिरेशन है मुस्लिम आर्ट की। तो हमने ये एफर्ट मैंने बिल्कुल की, स्पेसेस का भी मसला था, लेकिन मेरे ख्याल 2007 में हम इसे क्लासेस शुरू करवाने में कामयाब हो गए। हमने फ्रेस्कोस को भी लिया, और उनके जो असातिज़ा थे लिविंग उस्ताद सैफ थे, खुर्शीद गौर कलम कैलीग्राफी के हवाले से, तो बड़ी रिच एक ट्रेडिशन है हमारी मुस्लिम, और बड़ा पॉपुलर हुआ ये प्रोग्राम। अच्छा, इसमें फिर हमने और उसके बाद शॉर्ट कोर्सेज भी किए, तकरीबन 30 के करीब शॉर्ट कोर्सेज करते रहे। हमने आउटरीच प्रोग्राम्स किए, इवन NCA से बाहर भी निकले, हम मरी तक गए, KPK के बॉर्डर तक गए हैं वहाँ पे। तो काफ़ी हमने एक्चुअली इन आउटरीच किया है, ताकि एक आर्ट, वो जो एक था NCA बिल्कुल एक बंद था ना दीवारों के अंदर, हमने उसे निकाला और उसको और बल्कि लोगों को इन्वाइट भी किया। शॉर्ट कोर्सेज में जो मेन कोर्सेज में नहीं आ सकते थे, वक्त नहीं था, एडमिशन कम मिलते हैं, हमारे सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत सख्त है। जी जी, हमारे यहाँ 1:13 की रेशो है, इसलिए फिर हमने उसे ऑन किया पब्लिक के लिए, शॉर्ट कोर्सेज, समर कैंप्स, इवन 3 months, 2 months, 4 months, इवन 1 year डिप्लोमा तक हम गए। और मैं समझता हूँ ओवर द लास्ट 7-8 years हमने जितने ग्रेजुएट अपने निकाले हैं ना, उसे 10 times हमने अपने शॉर्ट कोर्सेज से एक अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाई है, जिसमें के बल्कि रोज़गार के हवाले से भी कि शॉर्ट कोर्सेज में आपकी बल्कि इंडस्ट्री में, फिल्म में, टीवी में, और हमारे बेतहाशा ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने यहाँ से किया, जिस तरह से ये एक मशरूम ग्रोथ हुई है ना टेलीविज़न की। हाँ जी, तो वो एक बड़ा टाइमली था। हमने फिल्म के शॉर्ट कोर्सेज भी किए, एडिटिंग की, साउंड के किए, लाइट के किए, फिर पेंटिंग के किए, फर्नीचर के किए, और वो लोग अब अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जाफरी साहब, ये कल्चरल स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट आपने बनाया, ये एक बड़ा वाइटल स्टेप था, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ देखिए, अब जैसे ये हमारे पास एक NCA, क्योंकि एक हमारे जो बेस है वो स्टूडियो है। जी, हमारे पास स्टूडियोज़ हैं और तमाम सब्जेक्ट जो स्टूडियो बेस्ड ही हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है थ्योरी का। तो अब थ्योरी के लिए हमारे पास जो टीचर हैं वो हमेशा से उसमें एक प्रॉब्लम रही है। तो फिर हम इससे बहुत अरसे से सोच रहे थे कि थ्योरी की साइड पे भी हम जाएं। तो अब ये कल्चरल स्टडीज़ का एक डिपार्टमेंट है जिसका अपने दौर पे कोई कोर्स नहीं था, तो वो फिर हमने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया, इवन ग्रेजुएट लेवल पे भी किया, फिर मास्टर्स लेवल पे भी किया, और इवन PhD लेवल पे भी हम उसे देख रहे हैं, उसके 2 PhD लोगों ने किया भी है। तो ये एक्चुअली एक इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि अब आर्ट की जो थ्योरी है हमारी ही जो ग्रेजुएट है वो उसे ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक NCA के फाइन आर्ट्स के आर्टिस्ट के ग्रेजुएट उसके मास्टर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर एक अंडर ग्रेजुएट जो प्योरली थ्योरी को पढ़ के आएगा, तो फिर उसका एक डिफरेंट उसकी सोच होगी। तो एक बहुत बड़ा गैप था, वो हमने फिल किया है। अच्छा सर, टोरंटो मार्केट
अब NCA के पास आ गई है और उसमें मैंने सुना है कि आप कुछ आर्टिजन्स का भी वो काम शुरू करवा रहे हैं जी जी। तो एक तो टोलेंटन मार्केट की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा हमें बताइए, और बताइए कि NCA के साथ जो अभी आई है तो इसका क्या जो आपके बेनिफिट्स जो हैं उसके वो क्या होंगे। आप जैसे आपने हिस्ट्री की बात की ना टोलेंटन मार्केट की, तो वो तो उसकी ये है कि NCA तो उसके बाद बनाए, ये तो 1864 में एक क्वीन के वक्त पे कुछ एक आइडिया था कि किसी तरह से जो इंडिजिनस जो क्राफ्ट है पंजाब की उसको एग्जिबिट किया जाए लाहौर शहर में। तो इसे एक एग्जिबिशन हॉल के तौर पे एक चीज़ ये बनाई गई थी, और तमाम जो क्राफ्ट है इंटीरियर पंजाब से जी उसका एक बहुत बड़ा शो हुआ था। और उसके बाद फिर ये एक आइडिया फ्लोट हुआ था कि एक आर्ट या क्राफ्ट कॉलेज होना चाहिए जी। फिर ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल स्कूल था, म्यू स्कूल ऑफ आर्ट की शक्ल में बना, फिर ये म्यूज़ियम इसके साथ ही बना। और अब टोरंटो मार्केट की जाने का बात कर रहे हैं कि NCA मैंने तो इससे पूरे अपने 6-7 साल लगाए हैं। अच्छा, ये फ्रॉम द डे वन मेरे ये ख्याल में था कि NCA के पास ये जो बिल्डिंग है टोरंटो मार्केट की होनी चाहिए। अब लाहौर म्यूज़ियम के हवाले कर दी गई थी, इसकी रेस्टोरेशन भी कंजर्वेशन भी NCA ने की थी, हमारे प्रोफेसर जी प्रोफेसर सज्जाद कौसर। और बल्कि इस पर बड़ी एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पार्किंग प्लाजा बनाने के प्रोग्राम पे गवर्नमेंट का। अच्छा, तो NCA ने रेजिस्ट किया था और बहुत रेजिस्ट किया था। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने सरेंडर किया और फिर इसे कंजर्व किया गया, रेस्टोर किया गया। और वो फिर बड़ी एफर्ट के बाद हमने कोशिश करके कि ये NCA के साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस का बड़ा कंसर्न था। अब जैसे ये इंडिजिनस क्राफ्ट के हवाले से ये चीज़ बनी थी, तो यही हमारा जहन में था कि इंडिजिनस जो क्राफ्ट है, जैसे जब मियो स्कूल इंडस्ट्रियल स्कूल था उससे हमने एक सफ़र किया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स तक, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर हुआ 72 में, फिर डिग्री अवार्डिंग स्टेटस भी हमें मिल गया। तो हम एक और जो डायमेंशन थी उससे निकल के हम दूसरी में आए, एक रिसर्च। और वो जो एक एलिमेंट था ना हमारा बहुत पीछे जाता रहा क्राफ्ट का और इंडिजिनस क्राफ्ट का। तो अब अगर अगरचे के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में और हमारे कई डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ें जारी तो थीं, लेकिन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट एज सच ख़त्म होना हमें नज़र आ रहा था कि वो वेविंग नहीं कर रहे थे। तो अब जो मॉडर्न एज, लेकिन अब वो ट्रेडिशन को ऑब्वियसली सस्टेन करना वो भी एक बड़े इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, हमने उसे समझा। और टोरंटो मार्केट को हमारा यही टारगेट था कि यहाँ पर जो हमारा इंडिजिनस क्राफ्ट है जो कि एक्चुअली डाइंग आर्ट की शक्ल इख्तियार कर रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। हमने पंजाब से जो बेहतरीन क्राफ्टमैन थे जो वीविंग पे काम कर रहे थे वो हमने इकट्ठे किए। इसमें तकरीबन 17 एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा, जो हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे किया है। अब वो सिल्क में काम कर रहे हैं, प्योर रॉ सिल्क में, कॉटन में, यहाँ तक कि जो लाहौर की पंजाब की एक शिनाख्त हुआ करते हैं खेस। अच्छा, अब वो ख़त्म हो रहा है। हाँ, वो बिल्कुल। तो हमने वो रिवाइव कर लिया उसे, हम उन लोगों को लिया है। अच्छा, अब बाकायदा वो जो एक खेस था ना वो चेक वाला, और फिर वो सब बन रहे हैं या उसकी खड्डी अलग लगी है। हाँ, वो बड़ी एक बड़ी मैनुअल से छोटी सी खड्डी है, उसने खुद आके बनाई है। इसी तरह से जो पिट लूम्स हैं, लूम्स हैं जो अब एक्चुअली वो रिडंडेंट हो गई थी जी जी, तो वो हमने वहाँ उनसे बनवाई, उन पर काम शुरू किया, उनके एक्सपर्ट्स तलाश किया। अब एक इंटरेस्ट हमारे जो ग्रेजुएट का वो रिवाइव हो रहा है। जब वो आके उस काम को देख रहे हैं तो अब उन्हें ये शौक़ पैदा हो रहा है कि उन्हें उस खड्डी पर बैठना है। इसलिए हमारा ये ख्याल था कि हमें उसे रिवाइव करना है, क्योंकि उसमें बड़ी एक एनर्जी है इस काम में। जब आप एक स्टूडेंट आके बैठता है उसके ऊपर, अपने हाथ से कुछ कर रहा होता है, तो वो चीज़ें हमारी जो एक ख्वाहिश थी ना कि ट्रेडिशनल जो क्राफ्टमैनशिप है वो रिवाइव हो, जो कि हमारे यहाँ से जा रही थी, तो हमने रिवाइव की। अब वहाँ पर फिर हमने एक और प्रोग्राम था कि हमारा जो फिल्म है इसकी स्क्रीनिंग का इंतज़ाम करें एक लाहौर शहर में, ये जो एरिया है क्योंकि यहाँ नेशनल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो वो भी हमने एक प्रपोज़ल दी है अभी ये जो हेरिटेज कमेटी है कि उसके बाहर जो पार्किंग एरिया उसको भी हम एक स्कल्प्चर गार्डन बनाएं। और अच्छा, जब आप वहाँ से बाहर निकलें टोरंटो मार्केट से तो एक वो जो पुरानी किताबें बेचने का स्टॉल हुआ करते थे वो एस्टैब्लिश करें, वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाएँ, वहाँ पर NCA की स्क्रीनिंग करें। एक जो फूड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ वही बना रखा है कि वहाँ पे खाने होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम एक्चुअली फूड स्ट्रीट उस तरह से लाना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे कियोस्क हों। इसी तरह से वहाँ पे जैसे वो सेरेमिक्स है
वो आइटम भी हो, अब आर्ट वर्क भी वहाँ पे फॉर सेल हो, आर्टिजन एट वर्क हो, तो ये टोरंटो मार्केट के जो सराउंडिंग है ना, उसको फिर हमने सजेस्ट किया है कमिश्नर साहब को भी कि 5 बजे के बाद एक गेट है, वो भी हमारे पास है, उसका डिजाइन 1913 का, अच्छा वो गेट हम लगाना चाह रहे हैं बना के, अच्छा कि एटलीस्ट 5 बजे के बाद ट्रैफिक के लिए उसे रोक दिया जाए और वो एक पेडेस्ट्रियन स्पेस बन जाए, वहाँ पे लोग शाम में बड़ा लोग एंजॉय करेंगे आके, हम यहाँ पे फिल्म स्क्रीनिंग करेंगे, थिएटर करेंगे, ड्रामा करेंगे टोरंटो मार्केट में जो 3 हॉल्स हैं, और उसे परमानेंट एग्जीबिशन हॉल भी हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, इससे एक रिलेटेड आपने कुछ लेज़र कटिंग मशीन्स भी ली हैं, वो उसका क्या पर्पस? जी हमने एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो हमारे यहाँ स्पेस का बड़ा मसला था, और जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत छोटी सी जगह पे था, पीछे एक जंक यार्ड था वहाँ, बल्कि वो जो उस वक्त वो डेंगी का बड़ा शोर था, तो वो CM की बड़ी सख्त डायरेक्शंस थी, वो 2-3 लोगों को उठा के भी ले गए कि जी यहाँ पे ये जंक यार्ड है, बना हुआ है, कूड़ा फेंका हुआ है, इसकी वजह से पानी है और डेंगी है, मच्छर आता है। तो मैंने वहाँ जाके देखा ये इस जगह पे हम कुछ, तो हमने वहाँ पे प्लान किया कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो कोई हमारे पास पैसे वैसे नहीं थे, हमने कुछ पैसे सेव किए, जैसे हमने पेंट वेंट नहीं करवाया, कुछ सेविंग करके हमने वहाँ पे बिल्डिंग शुरू कर दी प्रोडक्ट डिज़ाइन की। तो वो खैर हमने बना लिया, उसका एक हॉल बना लिया, फिर एक और बना लिया अपनी सेविंग से ही। तो खैर वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को एक स्पेस हमने उसके लिए इस्टेब्लिश की, क्योंकि मेरे जहन में जो प्रोडक्ट है मैं समझता हूँ कि वो बहुत वो रीढ़ की हड्डी है जी, इवन इंडस्ट्री की और आपकी मईशत की, क्योंकि हर चीज़ प्रोडक्ट ही है, और हमारे यहाँ ट्रेंड जो है सिवाय कॉपी के कुछ नहीं है। सही। और इतना किया स्ट्रेंथन कि हमने कुछ PC1s भी हमारे अप्रूव हुए, उसमें हमने वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीनरी है, जैसे जो लेज़र कटर है और डाइंग है, वो क्यों मैं पूछता रहता था उनसे, डॉक्टर मज़र हमने इंगेज किया था, वो गुजरात यूनिवर्सिटी से हम लाए थे जी जी, तो वो जो जो कुछ वो कहते रहे हम वो मंगवाते रहे, हमने एक्वायर किया वो मशीनरी जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, बल्कि वो इस लेवल की है कि 8x4 feet की डाई बन रही है वहाँ पे, फिर वो लेज़र कटिंग हो रही है, और अब बल्कि हमने उसे ये पब्लिक के इस्तेमाल के लिए अब जा रहे हैं कि अगर किसी और इंस्टीट्यूशन को चाहिए हो तो वो भी आके वहाँ पे काम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा एक एडिशन है बहुत बड़ी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बननी शुरू हुई हैं। सही है, बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं जी 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 वो उससे रिलेटेड भी शुरू हो चुकी होंगी। डॉक्टर साहब, आपके चाहने वाले दुनिया भर में मुझे लगता है मौजूद हैं, और बड़े बड़े स्टार्स हैं। मुझे पता चला कि अमिताभ ने लेटर लिखा, और फिर गुलजार साहब ने लिखा, और फिर क्वीन ऑफ इंग्लैंड का भी आपको लेटर आया, तो वो क्या, ज़रा उसके बारे में कुछ बताएं। जी हमें आते रहते हैं, देखिए एक्चुअली हमने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं इसको हम दुनिया भर तक पहुँचाते हैं जी, कि हम क्या कर रहे हैं, और उस पर ऑब्वियसली मैं उस पर रेगुलर एक नोट भी लिखता हूँ अपना, ऑटोरियल जिसे आप लोग कहते हैं, तो वो बल्कि मुझे उसके अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, यानी सारी दुनिया से मैं समझता हूँ, इवन जो हम उसे दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं, वाइस चांसलर्स को, अच्छा हेड ऑफ स्टेट्स को भेजते हैं, सही है, वो लोग उसे देखते हैं, तो वो उन्हें उन तक ये खबर जाती है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके बारे में कुछ और खबर जारी होती है। तो जब NCA का उन्हें हमारा जो जाता है बुलेटिन, वो जब उसे खोल के देखते हैं तो उन्हें एक और दुनिया नज़र आती है कि यहाँ पर इतना आर्ट एंड कल्चर पर फोकस है, तो वो फिर वो लोग लिखते हैं, जैसे अमिताभ की आपने साहब की बात की है, वो उन्होंने तो बहुत ही बड़ा एक 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 पर्सनलाइज से खत उनके 2-3 आए हुए हैं जी, और बड़ी वो डिटेल में है कि वो उन्होंने जैसे एक एक पेज उसका देखा, एक्टिविटीज़ को देखी, और धर्मेंद्र जी का मुझे फ़ोन आ गया, अच्छा एंड एक्चुअली आई वॉज शॉक्ड रियली, मैं उनसे पूछ रहा हूँ यार ये वाकई है, तो उसे इंडिया से फ़ोन है, तो उन्होंने कहा मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, पता है आपको एक्सचेंज पे फ़ोन बड़े मुश्किल से मिलता है, तो धर्मेंद्र उन्होंने कहा जी मैंने फैसला किया था कि मैंने बात करनी है आपसे, अच्छा तो उन्होंने वही कहा कि मैंने आपका ये ऑडिटोरियल पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कुछ इस किस्म की बात लिखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि NCA एक बड़ा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है साउथ ईस्ट एशिया का, सही है, और आप उसमें लिखते हैं कि हम कोई पढ़ाते पढ़ाते नहीं है, अच्छा, और हमारा जो फोकस है और बेसिकली है उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि हमारा फोकस जो है वो उन ट्रेडिशंस पे है, उन वैल्यूज़ पे है जो कभी हमारे पास थी जी, और हमने वो लूज़ कर दी है और पैसेज ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट जब आता है तो हम उससे बस उसे इंगेज करते हैं कि हमारी ये वैल्यूज़ हैं और ये ट्रेडिशंस हैं, क्योंकि
ऑब्वियसली हम जब ट्रेडिशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ट्रेडिशन हमें कहीं लेके नहीं जाती, सही, लेकिन इंस्पायर करती है. तो इसलिए ट्रेडिशन से हम इंस्पिरेशन लेते हैं. तो इसी किस्म की चीज़ें होती हैं ये, वो जो लोग देखते हैं पढ़ते हैं तो फिर वो उनका ख़त आता है, उनका जवाब भी आता है. तो धर्मेंद्र साहब ने बल्कि प्रॉमिस किया था कि मैं एनसी आऊँगा. अच्छा. बैक एक थी, प्रॉब्लम थी उन्हें. उन्होंने कहा कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो मैं आऊँगा. अमिताभ बच्चन, इनसे कई ख़त आए हैं, फिर हमने इन्हें लिखा भी है. अच्छा. तो हम बल्कि एक प्लान कर रहे हैं फीचर फिल्म. अच्छा. बल्कि मेरा अगला जो क्वेश्चन था वो तो उस पर हमने लिखा है. तो वो अब हालात कुछ अल्लाह करे बेहतर हो जाएं, क्योंकि अब जैसे अमिताभ लिख रहे हैं ना कि वर्ल्ड इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, इज़ ए लॉट ऑफ डिविजन बिटवीन पीपल. ये इनकरेक्ट लेटर है. अच्छा. जब वो शुरू करते हैं कि वेयर वर्ड फेल म्यूजिक एंड आर्ट स्पीक. नाइस. तो अमिताभ को बड़े अच्छे तीन चार खत मुझे आए थे. और बिल्कुल ये नज़र आता है कि ये जो जो भी बाउंड्रीज हैं बस ये पॉलिटिकल हैं. सही है. ये ह्यूमन नहीं है. सही. इंसान का तो वही है कि उसके एक एक लाइफ है और वो जानता है कि वो एक ही है. सही. दोबारा नहीं मिलेगी उसे. अच्छा जाफरी साहब, ये फिल्म का प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में? जी फिल्म देखिए, हमारा फिल्म एक फीचर फिल्म बनाने. जी जी देखिए, फिल्म हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्हें डिग्री ही मिलती है उस सूरत में कि वो एक फिल्म बनाते हैं. सही. कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना होता है, कोई शॉर्ट फिल्म बनाना होता है. तो अब मैं लास्ट 5-4 ईयर से उनका जो थीसिस है डिग्री हम देख रहे होते हैं, फिर हम उसे उसे बल्कि किसी सिनेमा में ही करते हैं, अपने ऑटोनी में नहीं करते, फुल स्क्रीन पे. तो 2-3 साल से मैं देख रहा था, तो मैं काफ़ी इंस्पायर था क्योंकि काफ़ी उसमें एक्टर भी आते हैं हमारे जो लीडिंग स्टार्स हैं. वो एज अ जज आते हैं. तो मुझे जो फीडबैक आती थी वो ये आती थी कि ये जो आपके बच्चे काम कर रहे हैं ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं. उस अपनी उनका जो थीसिस होता है उनकी फिल्म, उसके डायरेक्टर भी वो होते हैं, प्रोड्यूसर भी वो होते हैं, उसमें एक्टर्स भी वो अपने तौर पे इकट्ठे कर लेते हैं. तो वो मुझे ये था कि ये तो बेहतरीन मूवीज़ बन रही हैं. तो फिर मैंने 2 साल से मेरी कोशिश थी कि हम फीचर लेंथ फिल्म पर जाएँ. फंडिंग की बात थी, पैसे वैसे की बात थी. तो फिर अब हम ये सोच रहे हैं कि बग़ैर पैसे की फिल्म बननी चाहिए. अच्छा. और एक आर्ट मूवी. तो अब हमने एक इनिशिएटिव ले लिया है. अच्छा. उसमें हमने ऑन बोर्ड लिए हैं, जैसे सरमद सिपाही साहब अमेरिका में हैं, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं आऊँगा. अच्छा. फिर सैयद नूर से बात हुई है, बाबरा शरीफ तशरीफ लाई थी बहुत देर. अच्छा. थी यहाँ पे. तो उसमें हम जो हमारे जो लेजेंडरी जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, इवन सिंगर्स हैं. अच्छा. उन्हें हम इंगेज करेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी एक एंटरटेनमेंट देंगे.